Assalamu alaikum to all of you. My name is Ambassador Faraz and I'm a psychologist. Aaj we all know that today is 10th October aur aaj jo hai that is World Mental Health Day. So is wajah se we have decided to come on live with a lot of very professional, very trained, good psychologists jo aapke saath baat kar sake about the mental health और आपको और ज़्यादा अवेयर कर सकें मेंटल हेल्थ के बारे में. वी ऑल नो कि अगर हम पहले की नस्बत अभी देखें तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा पहले की नस्बत काम हो रहा है, लोग ऑलरेडी अवेयर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नीड है जो कि एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है. तो उसको देखते हुए हम लोग जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते रहते हैं जो कि बेसिकली रॉयल साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वाले जो हैं वो अरेंज करवाते हैं. रॉयल साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी जो है वो डॉक्टर फरहान कुरैशी ने स्टार्ट किया और उसके पीछे करने के पीछे रीज़न यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके. और जो कि एक स्टिग्माटाइज टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, हम उसको जो है अच्छे से एक टीम के तौर पे चल के, कोलैबोरेशन के साथ चल के, उसको हम और ज़्यादा लोगों के लिए आसान बना सकें, उनके लिए इसमें एक्सेस को आसान बना सकें. So that I would like to thank Royal Psychologist community for doing that because this is the need of the hour as we all are going through so many things, so many mental health issues, and we hardly get a platform to talk about it. So on these kind of platforms we can talk about it, we can actually learn a lot of things about it. Aur aaj bhi hum inshallah taala hamare jitne bhi esteemed साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे इस चीज़ के बारे में सीखेंगे. सो एंड वी हैव नाउ ऑलमोस्ट 5,000 पीपल, 5,000 टीम मेंबर्स ऑन रॉयल साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के पैनल पे, विच इज़ एन अमेजिंग अचीवमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ आई वुड लाइक टू टेल अ लिटिल बिट अबाउट जो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में. आई वुड लाइक टू टेल हमारे साथ हैं जी मिस शमाइला एजाज जो कि प्रिंसिपल है लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल केयर एंड अटेंशन की और शी इज़ ऑल्सो द सीईओ ऑफ एजाज साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूट. उसके अलावा वी हैव विद अस मिस अनम जफर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो शी वर्क्स एट स्टेप राइट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज इन अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ साइकोलॉजी एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव देम विद अस. उसके अलावा वी हैव विद अस मिस रज़िया जाहिद जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रेकी हीलर हैं एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हैं. शी इज़ ऑल्सो अ मेंटर एंड शी इज़ ऑल्सो अ कोच और जो है उसके अलावा भी ऑनलाइन काउंसलिंग पे एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे वो काम कर रही हैं. इसके अलावा लास्टली वी हैव मिस हिरा अहमद बट विद अस जो कि ऑल्सो शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर, शी इज़ ऑल्सो अ हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एन एल पी प्रैक्टिशनर. ऑल्सो शी वर्क्स विद इन स्पिरिचुअल हीलिंग एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आर्ट थेरेपिस्ट and a lot more. So anything which is related to psychology is actually done by our guests today and they have been covering it. Uske alawa, let me tell you people a little bit about the topic. We will be talking about mental health in general, awareness create karne ke liye, uske saath jo taboos hai related unke baare mein aur jo stigma hai उसके बारे में बात करेंगी मिस शमाइला हमारे साथ. देन वी हैव मिस अनम जो के बात करेंगी कि हाउ मेंटल हेल्थ कैन हेल्प अस इन डेवलपिंग, हाउ मेंटल हेल्थ कैन यू नो बी सो फ्रूटफुल फॉर अस, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं. उसके अलावा जो है मेंटल हेल्थ का रोल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आर लाइफ, मिस रज़िया विल बी टॉकिंग अबाउट कि हम अपने रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट अदर, स्पाउस के साथ कैसे बेहतर कर सकते हैं, co-workers से कैसे बेहतर कर सकते हैं. एंड मिस हिरा विल बी टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, एजुकेशन, फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट. सो वी विल स्टार्ट विद मिस शमाइला. मैम ओवर टू यू, काइंडली आप अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर करें एंड जो है आई होप कि इट विल बी सच अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस.
मैम आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें, या अगर अनम्यूट है तो मुझे नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी सबको मैम की आवाज़ आ रही है? मिस अनम, मिस अगरिया में मैसेज। उनकी आवाज जो थी वो पहले कट रही थी, लेकिन उसके बाद अब उनकी आवाज आ ही नहीं रही है। पहले कट कट आ हो नहीं रही कर रहे? थी। हाँ हाँ जी, मिस शुमाइला की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। हम पहले जो है वो फिर अगर मिस शुमाइला की अभी हम बात नहीं करते तो लेट्स स्टार्ट विद मिस अनम। मिस अनम प्लीज अगर आप पहले कवर कर लें, फिर हम मिस शुमाइला को जो है वो कर लेंगे। ओके नो। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो बेसिकली आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि मेंटल हेल्थ जो है वो होती क्या है। क्या मैम शुमाइला का हो गया है या मैं स्टार्ट करूँ? आप अपना टॉपिक ही कवर करें जो कि है हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करती है, जो भी आपका टॉपिक था प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू करें। जो डेफिनेशन है वो फिर मिस शुमाइला जो है हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे। आई होप कि वो तब तक हमें ज्वाइन कर पाए बाय द सेशन एंड्स। ओके ठीक है, चलें वो फिर वही कवर कर लेंगे इस चीज को। हाँ ओके, जी एक प्रोसेस होता है हमारे पास डेवलपमेंट का। जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो आती है कि एक एवोल्यूशन होती है, एक ग्रोथ होती है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें आता है कि ये जो लोग हैं उनको फ्रीडम किस हद तक है, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो किस लेवल की हैं, और जो भी हमारी वेलबींग है उसको हम लोगों ने इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तो पर्सन ये डिसाइड करता है कि हु टू बी, व्हाट टू डू एंड हाउ टू लिव, और उसके अंदर जो है वो कैपेबिलिटीज।
अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज अब आ रही है किसी को? मेरे ख्याल से वो जो उन दोनों के नेट का कोई इशू था उनको नहीं आ रही थी। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल। जी मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं बोल रही हूँ आपको, क्या मेरी आवाज सुन नहीं रही? नहीं, आपकी नहीं आ रही थी। वो मैं यही पूछ रही थी, अगर आपने मुझे, क्योंकि आपकी मुझे नहीं आई है, तो अगर आपने उन दोनों की नहीं आ रही तो क्या मैं अपना प्रोसीड करूं अपना लेक्चर? मैं एक्चुअली मैम अपना लेक्चर जो था वो प्रोसीड कर रही थी कि आपको अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं चाह रही थी कि मैं कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद आप अपना, फिर नेटवर्क का बहुत ज्यादा ठीक इश्यू है हो रहा है। ठीक है, ठीक हो? आप करें। मुझे ये था कि वो मुझे वो शो किया गया तो मैंने कहा मेरी तो नहीं, मैंने तो नहीं करना। चले, मुझे जब करना हो बताइएगा। ठीक, थैंक यू मैम। ओके, अब अगर एक पर्सन जो है, लाइक हमें कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, ठीक है, अब एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बजाय उस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढने के, हम उसके ऊपर बैठे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब करते हैं और हम अपनी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करते हैं। हमारा जो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस का है लेवल, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो सेल्फ एस्टीम है ऐसा, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है जब हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है। हमारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। जैसे कहा जाता है कि आजकल हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी डेवलप अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं स्टार्ट करूं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी मैम, ठीक है, फिर आप स्टार्ट करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिया जाहिद। टुडे माय टॉपिक इज इमोशनल अब्यूजिंग। आज के दिन के हिसाब से ये थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए जो है ना, मैंने सोचा कि बहुत से लोगों को इमोशनल अब्यूजिंग के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी भी नहीं होती, तो आई होप सो कि मेरे इस टॉपिक से ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों को समझनी चाहिए, वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले, व्हाट इज इमोशनल अब्यूज़? इमोशनल अब्यूज़ इज एनी टाइप ऑफ अब्यूज़ दैट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूसली इमोशनल मिसट्रीटमेंट ऑफ एनी पर्सन। समटाइम्स इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ इन्वॉल्व्स डेलिब्रेटली ट्राइंग टू इम्युलेट अदर्स, हर्ट्स, आइसोलेट और इग्नोर अदर्स। अब ये इमोशनल अब्यूज होता क्या है, इसके 10 साइंस हैं। इसमें इमोशनल अब्यूज हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें अब्यूजिंग नहीं होती, लेकिन दूसरे पर्सन को शायद वो चीज़ें जो है ना अब्यूज कर रही होती हैं। तो इमोशनल अब्यूजर वो होते हैं जो कि कॉन्स्टेंट परसिस्टेंट जो है ना वो, और आफ्टर नोइंगली उसको बता भी दिया गया है कि जिस तरह ये चीजें आपकी मुझे हर्ट करती हैं या मेरे लिए बेरेबल नहीं है, तो फिर भी जो दूसरा जो पार्टनर है, स्पाउस है, फ्रेंड्स है, कुलीग्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं,
तो वो इस किस्म की जो है ना वो अब्यूजिंग यूज कर रहे होते हैं, उनकी नजर में ये तो अब्यूज नहीं होता। तो ये 10 साइन है जो कि इमोशनल अब्यूजिंग में आते हैं। नंबर 1 है इंसल्टिंग अदर, नंबर 2 डिसमिसिंग अदर फीलिंग्स, नंबर 3 एम्बेरेसिंग अदर्स, नंबर 4 गैस लाइटिंग्स आर ब्लेम शिफ्टिंग, नंबर 5 क्रिटिसाइजिंग ओवर पिटी थिंग्स, नंबर 6 ब्लैकमेलिंग आर गिल्ट रैप, नंबर 7 स्टोन वेलिंग आर साइलेंस ट्रीटमेंट, नंबर 8 एग्रेसिव अग्रेशन, नंबर 9 नेम कॉलिंग, नंबर 10 सार्केज्म। अब इनको वन बाय वन में इनकी छोटी छोटी एग्जाम्पल दूंगी, जिससे ये पता चलेगा कि हम सारे जो है ना वो इन चीजों को डेली रूटीन में किसी ना किसी रिलेशनशिप में हम इसको अब्यूजिंग के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक रूटीन होती है और समटाइम हम इसको जोक समझते हैं। अब जो नंबर 1 है इंसल्टिंग अदर्स, इसमें जो अब्यूजर होते हैं वो दूसरों को हर वक्त पुटिंग डाउन, उनकी इंसल्ट करना, दूसरों के सामने उनको रिकग्नाइज ना करना, उनके अच्छे कामों को ना देखना, और फिर उनके जो है ना वो अजीब अजीब मीन्स किस्म के जोक करना, फिर उनकी जो है ना नामुस से जैसे मोटा मोटू इस किस्म के जो वर्बल अब्यूजिंग है, और इस जो इंसल्टिंग में होते हैं, और इसमें जो अब्यूजर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो उसको कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है कि वो दूसरे को कंट्रोल करे, आइसोलेट करे, और उसकी पॉजेसिवनेस ज्यादा होती है, जिस वजह से वो जो है ना अपने पार्टनर को या स्पाउस को या अपने कुलीग्स को इस तरह के जो इंसल्टिंग यूज हो रही होती है। नंबर 2 पे आता है डिसमिसिंग अदर फीलिंग्स, इसमें जो अब्यूजर होता है वो ये करता है कि वो ये शो करता है कि उसको दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, वो समझता है कि दूसरों को जो होता है, जो उनको हार्ड टाइम आता है, तो उनकी अपनी किसी गलती की वजह से होता है, उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो सोचते हैं कि वो इंसान, उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया तो उनके साथ हुआ है। इसमें स्पाउस का ले लें या किसी कुलीग का ले लें, उसको अगर किसी बॉस ने या किसी चीज ने किसी बात पे उसको स्क्रोल किया या उसको डांट पड़ी है, तो अगर अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करेगा, वो अगर पार्टनर से करेगी या कुलीग से किसी से, तो वो फिर आगे से उसको कहेंगे कि जरूर आपने कोई ऐसी चीज की है कि आपके जो है ना बॉस को आपने एयरनाइट किया है। तो वो ये फीलिंग्स नहीं समझते कि उनके साथ कोई रियल चीज हुई होगी, वो समझते हैं कि दूसरे ने कोई मिस्टेक की होगी तो उनके साथ ऐसा हुआ है। तो नंबर 3 पे आता है गैस लाइटिंग और ब्लेम शिफ्टिंग, इसमें ये करते हैं कि डेलिबरेटली वो जो अपनी उनकी अब हैबिट्स होती हैं, ये नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव चीजों को देखते हैं, जो उनके अपने अंदर होता है वो सोचते हैं कि वो खुद खुश नहीं है, तो वो चाहते हैं कि दूसरों को भी खुश नहीं होने देते, फिर वो ऐसे करते हैं कि वो उनको दूसरों को जो है ना छोटी छोटी चीजों पे वो कहते हैं कि आप जो है ना बड़े इमेच्योर हो, आप सेंसिबल नहीं हो, आपके पेरेंट्स जो हैं वो जो है ना वो काफी टॉक्सिक माइंड है, जिस वजह से उन्होंने आपकी अच्छी तरबियत नहीं की है, आप वो अपनी सारी चीजें जो ना वो उनके ऊपर लगा रहे होते कि आपकी पेरेंट्स ने आपकी तरबियत नहीं की है, इस वजह से आपके इम्पैक्ट आपके ऊपर आया। ये भी जो होते हैं नेगेटिव माइंड के होते हैं, ये पब्लिकली जो है ना ये अपने आप को तो अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन वो जो अकेले में होते हैं तो रिलेशनशिप में ये अब्यूजिंग कर रहे होते हैं। नंबर 4 में आता है एम्बेरेसिंग, ये दूसरों को शर्मिंदा करवाते रहते हैं, इनके अंदर भी यही होता है, नेगेटिव होते हैं, ये दूसरों को कोशिश होती है कि इस तरह के जोक्स और इस तरह के मजाक किए जाएं कि दूसरों को जो है ना वो अलग किया जाए, ये खुद भी जो है ना लोगों को खुश देखना नहीं चाहते, नेगेटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को जो है ना इग्नोर करते हैं। तो जिस तरह से एक अगर स्पाउस में देखें तो कोई पार्टी है या बेगम ने कपड़े पहने अच्छे, वो पार्टी में रेडी होने के लिए गए, तो या कोई बहन है या अपना कुलीग है, तो जब वो तैयार होते हैं तो उनको वो बजाय अप्रिशिएट के वो ये कहते हैं कि आपने जो कपड़े पहने ये तो इस पार्टी के लिए सूटेबल भी नहीं है, ये तो आपको सही नहीं लग रही है, इस सिचुएशन के लिए नहीं है, ये तो आउट ऑफ फैशन है, ये ट्रेंडी एनफ नहीं है। तो ये चीजें भी जो इस तरह के मतलब ये कंटिन्यू हो रही होती है तो ये अब्यूजिंग हो रही होती है। तो नंबर जो 5th आता है उस पे आता है क्रिटिसाइजिंग ऑन पिटी थिंग्स, ये इसमें भी जो है ना जो अब्यूजर होता है उसको छोटी छोटी चीजों में जब किसी से मिस्टेक होती है तो उसको एक चांस मिलता है, वो फिर उसको छोटी छोटी चीजों में उसकी इंसल्ट करता है अपनी फैमिली के सामने, रिलेटिव्स के सामने, अगर कोई फ्रेंड है तो वो दूसरी फ्रेंड्स के सामने करेगा, कुलीग है तो वो दूसरे कुलीग्स के सामने, सबके सामने पब्लिकली जो है ना वो छोटी छोटी चीजों पर वो जो है ना वो क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर स्पाउस की ली जाए तो जैसे स्पाउस ने कोई अच्छी नई डिश बनाई है तो बजाय इसके या तो वो खामोश रहे या फिर उनका इमोशन जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करें,
तो वो इस चीज पे, वो छोटी चीजों पे कहेंगे इस पे नमक कम था, इस पे मिर्च कम थी, इसमें ये चीज थी, वो जो है ना, वो उसको हो सकता है ऐसे जो अब्यूजर होते हैं वो पब्लिकली तो बड़ा बता रहे होते हैं मेरी बेगम या मेरा दोस्त बहुत अच्छा, लेकिन वो अकेले में वो अब्यूजिंग कर रहे होते हैं। और नंबर 6 में आता है ब्लैकमेलिंग और गिल्ट शिफ्ट। इसमें ये है कि वो डिफरेंट किस्म की टेक्टिक यूज करते हैं, और फेक टेक्टिक होती है कि वो अपने किसी पर्पज के लिए, और डेलिबरेटली वो अपने जो वो चीज चाह रहे होते हैं वो करवाने के लिए दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ये भी हर रिलेशन में होता है, और जो स्पाउस में हो रहा था तो वो यही चाह रहे होते हैं कि तो उसको कंट्रोल करें और उसको आइसोलेट करें, तो उस वजह से वो फिर जो है ना उसको ये कहते हैं कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो फिर मैं सेल्फ हार्म कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगी। ये स्पाउस में ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये अब्यूजिंग दोनों तरफ से हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, या फिर मैं जो है ना खुदकुशी कर लूँ, या फिर मैं आपके किसी को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो ये भी एक अब्यूजिंग में हो, अब्यूजिंग में आता है। और उसके नंबर 7 में आता है स्टोन वेलिंग और साइलेंस ट्रीटमेंट और डिटैचमेंट। इसमें ये चीज है कि जो इसमें या तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ही वर्बल अब्यूजिंग हो रहा होगा, अग्रेशन हो रही होगी, आउटबर्स्ट हो रहा होगा, जो वॉकआउट अनरिजॉल्व सिचुएशन होती है, या फिर पर्पजफुली डेलिबरेटली जो जो भी अब्यूजर होगा वो अपने आप को जो है ना साइलेंस और डिटैच मोड में लेके जाएगा, और जो इस किस्म की टेक्निक यूज करेगा कि वो जो चाहता है वो उससे मनवा सके। और सम टाइम तो ये होता है कि बगैर रीजन की खामोशी इख्तियार की होती है, और सम टाइम लड़ाई के बाद ये चीजें डिसाइड की होती हैं कि अब उन्होंने बात नहीं करना। और इसमें ये होता है कि ऐसी टेक्निक की जाती है कि जैसे उनकी कोई चीज उठा लेना, या मोबाइल या कंप्यूटर, इन चीजों को खराब कर देना, चार्जर उठा लेना, गाड़ी की चाबियां उठा लेना, और ये भी एक इमोशनल अब्यूजिंग में आ रहा है। तो नंबर 8 में आता है पैसिव अग्रेशन। ये भी जो अब्यूजर होता है इसमें भी वो ना डायरेक्ट वो जो है ना वो शो नहीं कर रहे होते, वो इस तरह की डिफरेंट जो है ना टेक्टिक यूज करके तो वो अग्रेशन शो कर रहे होते हैं। ये भी नेगेटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव को इग्नोर करते हैं, और ये भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल मूड के होते हैं। ये इनका फौरन से अग्रेशन आउटबर्स्ट होता है, और ये भी मैनिपुलेटिंग होते हैं और कंट्रोलिंग होते हैं और दूसरों को आइसोलेट करते हैं। इसमें भी जो है ना जो पब्लिकली ये बड़े चार्मिंग बड़े अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप में होते हैं तो उस रिलेशनशिप में ये जो है ना अब्यूजिंग कर रहे होते हैं। इसमें नार्सिसिस्टिक लोग भी आते हैं, और इसमें वही सारी चीजें इसमें जाती हैं। नंबर 9 में आता है नेम कॉलिंग। इस तरह के अब्यूजर जो होते हैं जो बड़े ब्लंटली दूसरों को जो है ना वो नामों से पुकार रहे होते हैं, जिस तरह से लूजर, लूजर, इमेच्योर, और इस किस्म के जो है ना वो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं ब्लंटली, और दूसरों को नीचे दिखा रहे होते हैं, और बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं ताकि वो दूसरों को ये दिखा सकें कि वो इंफीरियर है। तो इसमें जो है जो लूजर वो बुलाना, और जिस तरह से पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी समटाइम शोकेस बना लेते हैं, अगर उनके जो है ना बच्चे ने नंबर ठीक नहीं लाए तो वो सबके सामने उसको बार बार ये चीज बताते हैं कि हमारे बच्चे ने जो है ना नंबर सही नहीं लिए, या किसी की बेगम है अगर स्पोज के साथ है तो वो भी ये कहेंगे मेरी बेगम जो है ना खाना अच्छा नहीं बनाती, मेरी ये वो, इस तरह की जो है ना ये जो अब्यूजिंग वो चल रही है, और ये भी एक अब्यूजिंग में होता है, और इन लोग इस चीज को समझते हैं कि ये एक रूटीन की चीज है। और नंबर 10 में आता है सार्केज्म। सार्केज्म बड़े कुछ लोग होते हैं बड़े स्मूथ और बड़े कूल बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन इन डेप्थ उनकी जो बातें होती हैं उनमें बड़ी मीनिंग्स होते हैं, बाजार तो उनका जो बिहेवियर होता है या उनकी टॉक होती है बड़ी कूल होती है, लेकिन वो अंदर से वो एक तंज जो है ना दूसरों के लिए वो उसमें होते हैं, जिस तरह से अगर कोई किसी को कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप तो पैसों को लेके तो बड़े कंजूस हो, या आपके बारे में मैंने ये सुना है, तो अब्यूजर ऐसे बोलेगा। जब वो डिफेंड करेगा जो विक्टम है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो वो फौरन से उसे तंज में मजाक में आप तुमने तो आपने तो ऐसी ये सीरियस ले लिए सिचुएशन, ये तो ऐसे नहीं था, तो इस किस्म के ये भी एक अब्यूजिंग है। और इन सारी चीजों को समझना चाहिए कि ये जो चीजें हैं जो परसिस्टेंट हो रही हैं, कॉन्स्टेंट हो रही हैं, और एक बंदे ने एक्नॉलेज भी कर दिया है कि ये चीजें मेरे लिए भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट है। हो सकता है वो दूसरा जो अब्यूजर है उसके लिए ये चीजें कोई मीनिंग ना हो, या उसके लिए वो अब्यूजिंग ना हो, तो इसलिए हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है। तो अब इन सारी चीजों से हमने कैसे निकलना है, इसके साथ डीलिंग कैसे, तो इसमें सबसे पहले है कि रीच आउट टू समवन। नंबर 2 है कि ये सेफ्टी मेजर्स करनी है।
नंबर थ्री है कि आपने जो है ना सेफ्टी क्रिएट करनी है उसमें जो है, एक तो ये है कि आपने बाउंड्री सेट करनी है, दूसरा ये वॉकआउट कि किस तरीके से एग्जिट प्लान करना है। नंबर थ्री पे आता है कि प्रायोरिटाइज करनी है यूर सेल्फ पे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। नंबर फोर पे आता है कि कोई ऐसी हेल्पलाइन या ऐसी चीजें जहाँ पे सपोर्टिंग नेटवर्क या वो उसके, नंबर फोर पे आता है कि प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ के पास जाना है। तो अब जो है वो वर्कआउट जो रीच आउट समवन के साथ कैसे है कि अगर आप स्पाउस के साथ इस तरह हो रहा है या फिर किसी वर्कर के साथ या फ्रेंड्स के किसी के साथ, तो कुछ रिलेशन तो ऐसे होते हैं जिनसे बंदा आराम से वर्कआउट भी कर सकता है और उनके लिए अगर वो आपको एक्नोलेज नहीं भी करते तो वो इतना नुकसानदेह नहीं होता। अगर जिस तरह बॉस है तो बॉस तो सैलरी तो मिल रही है, वो कुछ चीजों पे बंदा फिर उन चीजों पे कंपनसेट भी करता है और वो एक जो है ना अपने आप को डिटैच अटैचमेंट स्टाइल भी कर लेता है, इमोशनली जो है ना वो डिटैच हो जाता है। तो ऐसे जो अगर स्पाउस है तो उसको अपने किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से और किसी ट्रस्ट पर्सन के साथ ऐसे उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक अब्यूजर को आप नहीं बताएंगे तो उसको लगेगा कि इसको तो पता ही नहीं है और वो फिर जो है ना वो कंटिन्यू अब्यूज को कंटिन्यू रखेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने किसी ना किसी को इन्फॉर्म करें और उसको बताएं। और उसके बाद जो सेफ्टी प्लान क्रिएट करना, उसमें बाउंड्री सेट करें, उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्या बाउंड्रीज हैं और कहाँ तक लिमिटेशंस हैं। तो फिर अपने रूल सेट करें और बताएं। अगर ये ऐसा नहीं हो सकता, अब्यूजर जो है वो आपके ऊपर ज्यादा कंट्रोलिंग है, तो उसमें फिर एग्जिट प्लान करें। एग्जिट प्लान करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि ये अगर इमोशनल अब्यूजर है तो ये कहीं ना कहीं ये एस्केलेट कर सकता है फिजिकल अब्यूजिंग में। वो ये ना सोचे कि ये तो सिर्फ बातें ही हैं और ये सिर्फ अगर ये मीन जोक हैं या इस तरह की टेक्निक सारी चल रही हैं जो 10 मैंने पॉइंट्स बताए, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं अगर बंदा कहीं स्टॉप नहीं लगाता तो वो फिर फिजिकल अब्यूजिंग में जाता। तो सबसे पहले उन्हें जो है ना इकोनॉमिकली मनी के रिगार्डिंग होना चाहिए कि मैं कैसे वो इन चीज़ों को मैनेज करूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहाँ जाना है, उस पर्सन के साथ कैसे मैंने ये सारा प्लान सेट करना है जो मेरा उनका कोई भी ट्रस्टेबल बंदा होगा, और फिर वो कहाँ जाना कैसे जाना ये सारा प्लान सेट करें। और प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, वो अपने लिए टाइम क्रिएट करें, उन्हें अपने आप को टाइम दें कि वो अपनी सेल्फ केयर करें, वॉक के लिए निकलें, अपने जो फ्रेंड्स और सोशल सर्कल है उसको इम्प्रूव करें, अपने दोस्तों से रिलेटिव से बात करें, लेकिन एक मास्क रखें, जो अब्यूजर है उसको ये चीजें नहीं बताएं, क्योंकि जब उसको पता चलेंगी तो वो तो पहले ही चाहता है कि वो किसी से बात नहीं करे। तो जो है ना उसको बताए बगैर उन्हें अपने सोशल सर्कल को इम्प्रूव करना चाहिए और उनके साथ ताल्लुक रखने चाहिए। फिर उसके साथ ही उनको अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। उनका राइट है कि वो सेफ फील करें, उनका राइट है कि वो अपनी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना है, उनका राइट है कि वो वेन एवर वॉन्ट टू से नो दे शुड से नो। अब ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए कि ये उनका राइट है, ये उनका राइट है कि कभी उनसे गलती भी हो सकती है। ये चीज़ें जब उनको पता होंगी तो उनको उनकी ये बाउंड्रीज हैं, उनको पता है कि ये इन चीज़ों से जो जब आगे होगा तो ये अब्यूजिंग है और ये अगर कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो ये मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो उन्हें जो है ना फिर ये सेफ्टी कोई रिसोर्स और सपोर्ट सिस्टम में, जिस तरह से कोई हेल्पलाइन है उनमें, जैसे आजकल टीवी में भी कहीं ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें बंदा रिपोर्ट कर सकता है। अभी जैसे हमारे हरासमेंट के जो नए कानून बने उनमें बंदा बता सकता है, और अगर कहीं बंदा लगे कि अब इन चीज़ों से वो उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो ये लाइन भी वो यूज कर सकते हैं। तो जो औरतें होती हैं स्पेशली स्पाउस में, तो वो इस वजह से इन चीज़ों को बेयर कर रही होती हैं कि उनको लगता है कि वो इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं हो करेंगी, उनके बच्चे हैं वो उनको छोड़ के कैसे जा सकती हैं, फिर वो हेल्थ उनकी कैसे होगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो है ना वो अब्यूजिंग सह रही होती हैं। तो अब्यूजिंग सहने से सिर्फ ये नहीं होता कि उसका टाइम गुजर रहा है, उसके का मतलब है कि उसको मेंटल इम्प्रिंट होता है, उसकी जो है ना मेंटल हेल्थ जो है ना खराब हो रही है। अगर जो अब्यूजर है उसके साथ उसको डिप्रेशन हो जाएगा, उसको एंग्जाइटी हो जाएगी, उसको जो सुसाइडल थॉट्स आएंगी, फिर उसका जो है ना वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएगा। तो फिफ्थ में जो आता है कि वो जब वो इन सारी चीज़ों से निकल जाए तो वो उसको जो है ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, और इन जो उसके अब्यूजिंग के नतीजे में उसके साथ ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स और पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, इन चीज़ों को किसी के साथ हो गया। मेरा
मैंने क्लियर कर, मेरा खत्म हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, ये मेरा एंड था। इट इज वेरी हेल्पफुल, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे सीखने को मिले, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में नॉर्मली बात नहीं कर रहे होते, लेकिन वी हैव टू गिव टाइम टू एवरी वो, इसलिए मुझे आपको कहना पड़ा। आप प्लीज इसको माइंड ना जी, कीजिए। मेरा फिनिश। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। क्वेश्चन हम मैम एंड में करेंगे इकट्ठे सारे उनके साथ, तब मैं आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, और अगर हमें कोई क्वेश्चंस आए वो भी हम जरूर लेंगे। और मिस शमाइला कर चुकी हैं जब मैं बीच में, मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल था, या आपका भी रहता है मैम? जी मैं सलाम करूं, हाँ जी, श्योर अगर श्योर, वालेकुम सलाम का जवाब आ जाए तो हम कैरी ऑन करते हैं। जी हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, आप प्लीज कैरी ऑन वालेकुम कीजिए। अस्सलाम। हाँ जी, अच्छा जी, मुझे, मैं लाइक आई विल ट्राई टू वाइंड अप विद इन लाइक 7-8 मिनट्स। मुझे, मैं डायरेक्टली इस बात में नहीं जाऊंगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो स्टिग्मा कैसे है, क्योंकि बेसिकली वो आप सब लोगों को पता है कि वो टैबू भी है और स्टिग्मा भी है। मैंने बेसिकली आपको ये बताना है कि वो स्टिग्मा और टैबू क्यों है। यानी कि आप ये समझे कि मुझे ये कहा गया है कि गाड़ी के रेडिएटर की बात करो और इसको साफ कैसे करना है ये बात करो। मुझे ये कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि घर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो मीटर के बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, अगर हम उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते या उसमें आग लग जाती है तो घर का सारा रिदम या घर की सारी बत्तियां जो है वो कैसे खराब हो जाती हैं। तो बात यहाँ पर आती है जी कि जब हम रेडिएटर के गर्म होने से डर रहे हैं क्योंकि गाड़ी बंद हो जाएगी, हम इस बात से डर रहे हैं कि जो बाहर जो वो जो बिजली का मीटर है उसमें अगर आग लग जाती है, गर्म होने से घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हम डर रहे हैं। अभी अब मैं यहाँ पर होल्ड करवाती हूँ और मैं अगले एक कंपोनेंट को डिस्कस करूंगी आपके साथ, वो इसके साथ मर्ज करेगा। हमारे मुआशरे में बेसिकली हम गाँव की बात करें तो वहां पर सास जो है वो एक स्टिग्मा है। अब आप लोगों ने एकदम हड़बड़ा नहीं जाना, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, जस्ट कीप योर माइंड्स ओपन एंड जस्ट टेक द कन्वर्सेशन व्हाट एवर आई एम सेइंग। सास एक स्टिग्मा है, इमोशनल अभी नहीं होना, ठीक है। लड़की का पैदा होना एक स्टिग्मा है, डाइवोर्स होना एक स्टिग्मा है, किसी हद तक जब हम शादी करके अगले घर में जाते हैं तो नंद एक स्टिग्मा होती है। जब हम बड़ी बड़ी महफिलों में जाते हैं जहां पे हम स्नॉब एटीट्यूड्स के लोग होते हैं, वहां पर अगर हम अबाय के साथ जाएं तो वो हमारे लिए, हम वहां पर एक स्टिग्मा होते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज स्टिग्मा, अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन कि स्टिग्मा डर है। तो डर का एलिमेंट ये दूसरी जगह पर आ गया। अब एक तीसरी बात मैं आपको कंपोनेंट में करूंगी आम जनरल लाइफ से रिलेटेड, फिर हम एमएच की बात करेंगे। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है। अगर हमें, आपको और मुझे, एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाए अकेला तो हम अपने डर को लड़ने के बाद उस आइलैंड पे सरवाइव कर जाएंगे। तो सर्वाइवल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत बेसिकली डर से होती है। सो अगर हम ये देखें कि हम अक्सर, आप लोग सब साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सब लोग अपने पेशेंट्स को ये कहते होंगे कि जी अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ये तो एक सिंपल सी बात है जो हम सबको पता है। वरना कुरान का एलिमेंट देख लें, कुरान में भी अल्लाह ने ये कहा है कि सबर करो और सबर के बाद आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इलाम इकबाल ने यही बात की हुई है, और तो और आजकल वो ड्रामा चल रहा है अर्तुगल, अर्तुगल भी यही कहता है कि पहले परेशानी आती, देन यू फाइट एंड देन यू विन। ये एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज का नाम अभी दूंगी, जो हम डर के साथ एसोसिएट करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। जहां जहां डर आता है वो बेसिकली फोबिया होता है, और जो फोबिया है उसका इलाज हम कॉम्प्रोमाइज के थ्रू करते हैं क्योंकि हमने सर्वाइव करना है। जिस तरह के अगर हम सांस के, हमारी अगर अच्छी नहीं है तो हम कहेंगे जी बहुत, हमारी जो है ना, शी इज वेरी गुड जी, बहुत अच्छी है, हमारा ख्याल रखती है। इस तरह हम नंद के हवाले से करेंगे, डाइवोर्स हो गई है तो हम कहेंगे जी फला फला बंदा अच्छा नहीं था, उसके साथ ये हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग, जहां जहां डर आता है और डर के साथ स्टिग्मा एसोसिएट होता है वहां हम कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम जहां पर आती है कि मेंटल हेल्थ से हमें डर क्यों लगता है। मैंने कल अपने, मेरे पास जो हेल्पर है, मैंने उससे पूछा कि भी तुम एबटाबाद में रहते हो, एबटाबाद में तुम्हारे पास साइकेट्रिस्ट है, उसने कहा जी वो कौन होता है।
मैंने उसको प्लेन अल्फाजों में कहा कि आपके पास वहां पे डॉक्टर है? उसने कहा जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर है जी। मैंने उसे पूछा अच्छा तो वहां पर वो जो लोग जेनी दबाव का शिकार हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ही वॉज जस्ट क्वाइट लाइक ही वॉज लुकिंग एट मी इधर ब्लैंक फेस के। अच्छा जी जेनु दबाव भी होता है? मैंने उसको आगे प्रोसीड किया, मैंने कहा कि आपकी अलहमदा 5 बेटियां हैं तो आप कैसे गुजारा करेंगे? उसने कहा जी 2-3 टाइम नौकरी कर लूंगा बाजी, परेशानी तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा उस परेशानी के लिए अगर परेशानी बढ़ जाएगी तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे? उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो मैंने कहा जी आप साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जाएंगे? उसने कहा जी वो तो पागलों का डॉक्टर है, मैं को पागल हूँ। अभी हम ये जो आज बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो यही बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है जी हमारे यहाँ पर कि वो जो वर्ड है ना पागल का, वो बहुत कॉमन है। अभी जिस तरह मैडम ने भी बात की कि जी अब्यूज, हमारे यहाँ पर जो लोअर मिडिल क्लास है ना जी, वो बात कैसे स्टार्ट करती है? वो गाली से बात स्टार्ट करती है, गाली पे एंड करती है। अब गाली में भी माँ बहन की गालियां आ जाती हैं, ठीक है जी, और उस वजह से जो है वो औरत भी बदनाम, माँ भी बदनाम, बहन भी बदनाम। अगेन वो एक डर का एलिमेंट आ जाता है और वो एक स्टिग्मा की तरफ चला जाता है। जब उसको मैंने अपने उसको हेल्पर से पूछा, मैंने कहा जी आप किस डॉक्टर के पास जाओगे ना? तो उसने कहा जी मैं वो जी जो पेट खराब हो जाता है जी, दिल की धड़कन खराब हो जाती है, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ जीपी। अब यहाँ पर दोबारा स्टिग्मा का वर्ड इसलिए आ जाता है जी क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह हमें आम बुखार होता है, हम 5 दिन के लिए किसी उसके पास जाएंगे, किसी से हम एंटीबायोटिक वगैरह लेंगे और 5 दिनों में हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, वो हमें कोई ऐसी गोली खिलाएगा जिससे हमारे दिमाग की सारी नसें ना जो बिल्कुल खुल जाएंगी और पागलपन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको ये कौन समझाए कि एक दफा सारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयरेबल हो जाते हैं बट द ब्रेन सेल्स आर अनरिपेयरेबल। और मजे की बात यह है कि जी वो आम जीपीज जो हैं और कुछ हमारे साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो भी कहेंगे बस जी आप ये 15 दिन दवाई खाएं जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब 15 दिन एंटीबायोटिक आप वो एंटी डिप्रेसेंट खिला रहे हैं, आप मुझे ये बताएं 2 हफ्तों के बाद तो एंटी डिप्रेसेंट जो है वो अपना असर करना शुरू करती है। तो हम बेसिकली अपने क्लाइंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि ठीक है जी हम अभी ये 2 हफ्ते खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, वो जब 2 हफ्तों के बाद कुछ भी नहीं होता तो वो फिर से दोबारा से उसी डॉक्टर को गालियां पड़ना शुरू होती है, पागलों का डॉक्टर है गए, एनु कुछ नहीं आया है गए। तो आप ये देखिए हमने इन्फॉर्मेशन ही गलत पोर्ट्रे की, हमने अवेयरनेस उसको दी ही नहीं, हमने उसको बताया ही नहीं कि भाई ये दिमाग का मसला है, इसको ठीक होने में 5 से 6 साल, 5 से 6 महीने या उससे ज्यादा मुद्दत लग जाती है। आप लोग सो खुद साइकोलॉजिस्ट जी आप खुद देखें जी आपके पास पेशेंट आता है वो क्या कह के जी बस जी मैं एक सेशन में आऊं जी बस आप मुझे ठीक कर दें। तो मैं उसे कहती हूँ काश हमारे पास भी कोविड की तरह ना कोई फाइजर टाइप ही कोई इंजेक्शन होता है, मैं आपको लगा देती और बस आप 15 दिनों के बाद दोबारा आते, एक और बूस्टर लगता आप ठीक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड से मुझे याद आया, आप ये देखें आप लोगों ने कोविड के दौरान आप सब साइकोलॉजिस्ट ने जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग की थी, व्हाट वाज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फियर रिलेटेड टू द कोरोना? चैट में आंसर लिख के मुझे बताएं, इसका तो जवाब मैं आपको नहीं दे रही, आई एम वेटिंग। व्हाट वाज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फियर दैट वाज एसोसिएटेड और इज एसोसिएटेड विद कोरोना? हेलो, मेरी आवाज दोबारा तो नहीं बंद हो गई? हेलो, हेलो, अच्छा चलिए जी। बेसिकली जो कंपोनेंट, हाँ जी जी मुझे चैट में आ गया है नजर, बेसिकली जो कंपोनेंट एसोसिएट था कोविड के साथ वो था डेथ। सो बेसिकली डेथ एक डर है और कोविड जो है वो एक स्टिग्मा बन गया। अब आप ये देखें हमारे जहां पर जितने भी लोग हैं वो इस बात से नहीं डरे होते कि फलां को कोरोना हो गया, वो इस बात से नहीं उसके घर नहीं जाना, उसके साथ नहीं मिलना, उसको हाथ नहीं लगाना, उसके घर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड हो गया है कि आप उसके घर जाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा एक और वजह से भी एसोसिएटेड है, वो ये है जी। एक तो ये गाली गलौज का मैंने आपको बता दिया कि हम वो जिस तरह अभी मैडम ने अभी बताया कि जी हम लोगों को कहते हैं तुम पागल हो,
इंग्लिश पीपल कह देते हैं यूरो मरोन, तो आप ये देखें कि पागल होने वाला कंपोनेंट और मरोन का कंपोनेंट इज वेरी कॉमन, इवन इवन इन माई इंस्टीट्यूट. छोटे बच्चे हैं ओनली लाइक 9 एंड 10 ईयर्स ओल्ड, वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं, वो तुम ऐसे हो, तो मैं उनको रोक लेती हूँ कि एक्सक्यूज मी, तुम लोगों ने पागल नहीं देखा है. सो अगर देखा नहीं है तो उसको बोलने की क्या जरूरत है, और अगर तुम्हें कोई कह रहा है उसके ऊपर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम. तो आप ये देखें कि इट इज अ टैबू बिकॉज वी हैव मेड इट अ टैबू. हमने लोगों को अवेयरनेस दी ही नहीं. अब अवेयरनेस हम कैसे देते, हम लोग अगर आप चेक करें इस ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने कहा कि जी लाइक वी हैव 5 समथिंग लाइक दिस पीपल ऑन दी पैनल. आप ये देखें वो सारे जो लोग हैं पैनल के ऊपर वो कहाँ कहाँ एसोसिएटेड है. मैं अपनी आपसे बात करती हूँ, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स रहे हैं और जो इंटर्नशिप करके निकल गए हैं, लाइक इफ आई रफली इफ आई हैड लाइक 10 पीपल हु डिड इंटर्नशिप विद मी, ओनली 3 और 4 वेंट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज, वो वापस अपनी जगहों पे गए. बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं वो लाहौर में ही रह गए या इस्लामाबाद तक चले गए. तो आप मुझे ये बताएं, हमारी बेसिक कम्युनिटी, जो बेसिक स्टिग्मा और जो डर रिलेटेड है मेंटल हेल्थ, वो कहाँ से आ रहा है? वो पीछे तो गांव से आ रहा है. आप ये देख लें, अगर आप अपनी सब अपनी हिस्ट्रीज खोल के देख लें, अभी जस्ट फ्लैशबैक करें हम अपनी हिस्ट्री साइकोलॉजी को, तो बेसिकली पागलपन से डर क्यों लगता था? क्योंकि ये एसोसिएट होता था कि जी पागलपन जो है वो चुड़ैल है, जिन्नात, और चुड़ैलों का जो साया है वो है पागलपन. था नहीं बल्कि आज भी है. मेरे पास आने से पहले कुछ लोग जो है ना वो होके आते हैं बकायदा कि जी ये देखें जी, हम फलां पीर साहब के पास होके आए, हम फलां पीर साहब के पास होके आए. तो मैं उनको रोकती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है जी आप हो आए, क्योंकि उनको इनिशियली रोकने से मेरा अपना नुकसान है. आई विल लूज द पेशेंट एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव द अवेयरनेस टू देम. तो मुझे इनिशियली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है जी, आप काउंसलिंग मेरे से करवाएं जी, और आप बड़े पीर साहब से बड़ा तावीज लें, छोटे पीर साहब के बोतल लें पानी की और खिलाएं और पिलाएं, और मेरे पास आप आते रहें, और आप मेरे पास 5-6 सेशंस में आएंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपको उन पीर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है. आई एम ए रेखी मास्टर जी. आप लोगों में से जो रेखी मास्टर है, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके पास पेशेंट जब आता है तो आप स्कैन करें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके पेशेंट में जिन्नात हैं कि नहीं. अब यहाँ पर आप फिर सब लोग चीख उठोगे कि जी आप मैडम साइंस और जिन्नात भी, जिन्नात का असर है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि कुरान कह रहा है. और अगर आप ये कहेंगे कि जी आपने वो पेशेंट्स नहीं देखे हुए, तो आई विल टेल यू एंड नेम फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट्स या फ्यू ऑफ द मदरसास जहां पर दे आर वेरी वेल स्कॉलर्स हु आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. सो दैट इज अ प्रॉब्लम देयर. आप उस प्रॉब्लम को डिनाई नहीं कर सकते, मगर उसके सिम्टम्स और होते हैं और स्किजोफ्रीनिया के सिम्टम्स और होते हैं. अभी किसी ने पूछा जी मैनिक बाइपोलर क्या है, तो आप मुझे ये बताएं, आपके पास वो बंदा जिसके साथ जिसके अंदर जिन्नात का साया हो गया, वो उसके सिम्टम्स मैनिक और बाइपोलर के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, एक स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स और वो बंदा जो जिसमें जिन्नात है उसके और स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. वरना आप रेखी कर लें, आपको रेखी से आसानी से पता चल जाएगा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. तो आप ये देखें ना, नट शेल, हमारी पीछे से रूटिंग जो है वो डर की बेस्ड है, डर से बेस्ड है. आप थोड़ी देर के लिए जस्ट 2 मिनट्स के साइलेंस में अगर आप देखें, मेजोरिटी ऑफ द लोग जस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल जस्ट क्लोज योर आइज एज अ थिंग कि जी आपको ये कहा जाए कि जी आपकी बेटी होने लगी है, तो आप 1 मिनट डरेंगे कि अच्छा यार मेरी बेटी पैदा होने लगी है और मेरी सास क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे. टैबू है, डेफिनेटली टैबू है. बहुत से पेशेंट्स को मैं ऐसे जानती हूँ जो कि कहते हैं कि जी हम आपसे मिलने नहीं आ रहे, आप प्लीज खामोशी से बस हमारे से टेलीफोन पे हमसे बात कर लें कि हमारे लोगों को पता चलेगा कि ये जो मैं पागल हूँ, तो वो मुझे पागल करार दे के मुझे डाइवोर्स दे देंगे, मुझे इट विल बी अ स्टिग्मा ऑन मी, इट विल बी अ स्टिग्मा ऑन माई चिल्ड्रन. तो स्टिग्मा क्यों है? स्टिग्मा फिर इसलिए हुआ जी क्योंकि उसके साथ डर एसोसिएटेड है, उसके साथ हमारा हमारी जो सोसाइटी है वो आपको धक्का करके धक्का मार के पीछे कर देती है कि नहीं ये पागल है, इसको इसको नहीं हाथ लगाओ, उसको मुंह नहीं लगाओ, क्योंकि ये वो चीज है जो ठीक नहीं हो सकती, ये वो चीज है जिससे हमें नुकसान होगा, ये वो चीज है जिसपे हम पैसे लगाएंगे तो हमें इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा.
सो बेसिकली दैट इज वाई वेन पीपल फाइंड दैट देर इज नो क्योर टू इट एंड द पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, तो वहां पे वो स्टिग्मा लग जाता है. जिस तरह कोरोना पे लगा हुआ है, इसी तरह मेंटल हेल्थ पे लगा हुआ है. अब आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह आप लोग सब जानते हैं, ये कहा जाता है जी के पागला ना डॉक्टर है जी, अदिति अपना दिमाग खराब है गए. आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, हम ओपनली डिस्कस करें या ना करें, बट वी नो कि वी आर सेल्स आर स्टिग्माटाइज्ड कि यार ये तो पागलों के डॉक्टर है, इसने ये तुम्हारा क्या इलाज करना है. बट वट वी डू इज वी जस्ट रिमेन क्वाइट एंड वी फेस द चैलेंज. जी आप आए तो सही, आप 5 सेशंस लें, 5 घंटे के बाद अगर हम आपको ना बताएं कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके दिमाग की वायरस जो है वो हम सिर्फ टेक्निक्स के साथ PMR के थ्रू, NLP के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, तो फिर आप हमें बताइए अगर जी स्टिग्मा है कि नहीं है. सो बेसिकली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने बेसिकली मार्केट में हम गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी. देखें ये कॉन्फ्रेंस जो है मुल्तान साइड पे हो रही है और इसकी ब्रांचेस कितनी दूर तक की हुई है, मतलब वी हैव क्रॉस दी कंट्रीज इवन. मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं वो भी पीछे गुजरात की साइड पे है, वहां पर साइड पे है, मगर हम कितने लोगों को हम पकड़ के ठीक कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड. इसमें ये नहीं है हम नहीं ठीक करे जी. मेरे इंस्टीट्यूट में जहां पर ऑटिज्म जो है वो स्टिग्मा होता था पहले, अब ऑटिज्म के मतलब बच्चे जो है हु आर विद ऑटिज्म ये आते हैं. इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी जिसको पहले स्टिग्मा समझा जाता है कि जी इस पे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, ये तो हमारे किसी काम का बच्चा नहीं है, वो अब आके काम कर रहे हैं. मतलब वी आर इम्प्रूविंग, ये नहीं है इम्प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन जो डर है उसकी रूट्स इतनी गहरी हैं कि हमें अभी मजीद मेहनत करनी है कि इसको टैबू और स्टिग्मा के नाम से हटा सके. और फिर मेरी अगेन फिर वही रिक्वेस्ट होती है सब लोगों से कि हम इसको कैसे हटाएंगे. हमारे पास मीडिया है और आप लोग खुद हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स में आप काम करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप काम करें, आप बैठे लोगों को लेके. ये नहीं है कि आपने हर दफा लोगों की काउंसलिंग ही करनी है, काउंसलिंग आप बाद में करें, पहले उनको बता तो दें कि बीबी ये प्रॉब्लम जो है ये जेनेटिकली आ रही है, आपको इतना अरसा दवाई खानी है, जिस तरह आपको दिल की दवाई खानी है या आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है या आपको डायबिटीज की दवाई खानी है, ये वैसे ही खानी है और आप इसे मत डरें, हम इसको दवाई देंगे ये ठीक हो जाएगा. आप उनको तसल्ली देंगे तो ये स्टिग्मा जो हमारा माशाल्लाह से अभी लाइक 50% तो रिड्यूस हो चुका है. व्हाट आई सी इन द सोसाइटी, काउंसलर्स हायर करना शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल कंपनी साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रही हैं, पुलिस वाले हायर कर रहे हैं, फोरेंसिक वाले हायर कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हायर हो रहे हैं, इंडस्ट्री हायर कर रही है साइकोलॉजिस्ट को, हायर कर रही है. सो वी ऑलरेडी आर हाफ वे थ्रू, बट इन दोज पीपल हु आर लर्नड एंड दोज पीपल हु आर नॉट लर्नड दे आर स्टिल होल्डिंग फर्मली कि नहीं जी ये पागलपन है, ये ठीक नहीं होगा. जब हम ये उनको बता देंगे कि जिसको वो पागलपन कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगा, तो ये स्टिग्मा भी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन 10% फिर भी रहेगा. ह्यूमन नेचर है ना जी, क्योंकि डर जो है ना जी वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है. हमारे पास जो मदर्स आती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, ADHD के साथ, उनके बच्चे हैं ऑटिज्म के साथ, जैसे नहीं जी नहीं हमारा बच्चा मैट्रिक कर लेगा, कर लेगा जी कर लेगा, मगर बैक ऑफ द माइंड हाँ जी हमें पता है जी, लेकिन आप कोशिश कर लें जी. सी वी हैव क्रॉस्ड दैट कंपोनेंट ऑफ स्टिग्मा नो डाउट, बिकॉज दे कम जिनको मैं कहती हूँ जी आपका बच्चा इससे है, तो उसको कहें जी नमाज पे खड़े होकर हमारे लिए दुआ कर दे, हमारे लिए दुआ कर दे कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी. सो वो कॉम्प्रोमाइज वाला कंपोनेंट आ जाता है जिसकी वजह से वो स्टेप अहेड हो जाते हैं कि हाँ जी लाइक 3 स्टार्स ओके फाइन ही इज गुड, वी आर नॉट सपोज टू थ्रो देम. मगर मैंने वो पेशेंट्स भी देखे हैं जी कि ये जी बीमार हो गई हमारी. आप सिंपल से बता दें जी मुझे, ओल्ड होम्स हमारे यहाँ पर क्यों बन गए हैं, क्यों बने ओल्ड होम्स, क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम्स खराब हो गई हैं और ये स्टिग्मा आ गया कि जी ये हमारे पेरेंट्स बूढ़े हैं, इनकी याददाश्त खराब हो गई है, अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, दे कैन नॉट रिकग्नाइज अस, उठाए और इनको ओल्ड होम्स में फेंक दें. अब मुझे ये बताएं वो जो ओल्ड होम रन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, हम लोग हैं ना जी, वी आर रनिंग दोज ओल्ड होम्स. सो समवेयर हमारा भी पता कितना परसेंट है, मैं नहीं बोलूंगी आप लोग सब मुझे मारना शुरू कर देंगे, हमारा भी कुछ परसेंट पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है. और मैं अपने स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ जी,
जो मेरा लास्ट सेंटेंस होगा इसमें भी, कि जी आपको साइकोलॉजी, आप इस फील्ड में आए ना, आप इसको पढ़े, आप प्लीज साइकोलॉजी की थ्योरीज को अच्छे तरीके से पढ़े, ताकि जब आपके पास क्लाइंट आए, पेशेंट आए, आप उसको समझा सके। हम लोग जब नहीं समझा सकते ना अपने पेशेंट्स को कि जी ये बीमारी है और ये ऐसे ठीक हो जाएगी, उनकी रूह के अंदर मतलब यू हैव टू जंप इनटू देम, आपका स्टिग्मा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मैं दोबारा से कह रही हूँ, खत्म नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स इट जी, किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओवर टू अंबर जी। थैंक यू सो वेरी मच मैम, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. और यू ट्राई टू एक्सप्लेन स्टिग्मा को बहुत अच्छे तरीके से, एंड वी ऑल आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा. एंड आई होप इससे लोग कुछ सीखें और वाकई ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की तरफ आए. तो नाउ वी विल आस्क रिक्वेस्ट मिस हिरा टू प्लीज़ शेयर हर व्यूज़ के जो रोल है साइकोलॉजी का इन फ्रेंड्स फैमिली ऑल्सो एजुकेशन एंड सोसाइटी, उसको हम जो शेयर करें. सो मिस हिरा काइंडली. अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल. हाँ जी, यू आर अच्छा, मैम शुमाइला ने काफ़ी डिटेल में बताया कि हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस क्या है, और उसमें जो बात में मैम ने पॉइंट आउट की है जिन चीज़ों को, उसमें फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. फैमिली का एक रोल होता है हम लोगों की लाइफ में, फैमिली उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी इनिशियल बाय बर्थ से लेके टिल हमारे डेथ तक. अब फैमिली किस तरह से रोल प्ले कर रही होती है हम एक किसी भी इंसान की जिंदगी में. सबसे पहले तो एक जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट लेकर पैदा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है. वो अपने फैमिली इन्वायरमेंट से सीखता है. सबसे पहले फैमिली उसकी जरूरी होती है. फैमिली वो ऐसा एलिमेंट होता है जिसको वो देखता है कि हाँ, ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरे सिबलिंग्स है, ये मेरे दादा दादी चाचा चाची खाला फुफो जो भी रिलेशन होते हैं उन सबको वो देखता है. वो क्या करते हैं उन चीजों को देखता है. उसकी जो सोशल वर्ल्ड स्टार्ट होती है वो आफ्टर 3 और आफ्टर 4 ईयर्स, जब उसको कुछ समझ में आना शुरू होता है कि हाँ, दुनिया इस घर से बाहर की भी एक दुनिया है, इस घर से बाहर के भी रिश्ते हैं, वो तब उसकी स्टार्ट होती है. और वो तब उसकी स्टार्ट होती है जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, जब वो टीचर से मिलता है, अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, उसको पता चलता है फ्रेंड्स भी मैंने बनाने हैं. अब जो पहले 7 साल होते हैं किसी भी बच्चे की जिंदगी के, इनिशियल 7 ईयर्स ऑफ एवरी चाइल्ड, वो बहुत जरूरी होते हैं. उस इंसान में उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी उन सालों में बन जाती है. वो अच्छी बने वो बुरी बने, वो उसको ये पता चल जाता है कि मैंने किस तरह से अपना रोल प्ले करना है सोसाइटी में. उसको ये पता चल जाता है कि मैंने किस तरह का इंसान बनना है, मैंने अपना कौन सा बिहेवियर किस वक्त शो करना है. अब उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को ये कह कर इग्नोर कर रहे होते हैं, ये तो बच्चा, माँ बाप उसके सामने फाइट भी कर रहे होते हैं. जो मदर होती हैं वो अपने ससुराल वालों के बारे में या अपने मे के वालों के बारे में या किसी और के बारे में बुराई भी कर रही होते हैं. इसी तरह से फादर भी अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें कि अपना अब्यूजिव रिलेशन है तो अब्यूजिव अपने होंगे बिहेवियर, स्मोकिंग करते हैं तो वो शो कर रहे होंगे, वट एवर, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नजर में हम देखते हैं अपने घर में, जो हर घर में होती है, वो हम बच्चे के सामने कर रहे होते हैं. हम ये कह रहे होते हैं बच्चा है ना, इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको क्या पता ये क्या है, इसको क्या पता ये क्या चीज है. हालांकि वो जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज को इतने क्लियरली देख रहा होता है, इतनी अच्छी तरह से वो देख रहा होता है कि उसको हर चीज का पता होता है कि हाँ, ये क्या चीज है और क्या चीज नहीं है. अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो लेटर ऑफ लाइफ 14, 13, 15 एज में आते हैं, टीन एज में आते हैं, और उसके मिसबिहेवियरनेस शुरू होती है, उस टाइम पे हम उसको ये कहना शुरू कर देते हैं, ये बच्चा तो बड़ा बदतमीज है जी, इसको तो बात करने की तमीज नहीं है, ये नहीं कर रहा, इसको बड़ों का अदब नहीं आता, इसको छोटा का अदब नहीं आता. हालांकि वो सारी चीजें उसने सीखी कहाँ से होती हैं. फिर हम वहां पे ब्लेमिंग गेम स्टार्ट कर देते हैं कि उसने ये सारी चीजें जो सीखी हैं उसने अपने फ्रेंड से सीख ली, सोशल मीडिया से सीख ली, यहाँ से सीख ली, वहां से सीख ली. हालांकि इन एक्चुअल वो जो सारी चीजें सीख चुका होता है वो अपने ही फैमिली से, अपने घर से सीख चुका होता है. अब यहाँ पे मैं एक रिसर्च कोट करती हूँ. एक रिसर्च की गई, उसमें दो तरह की फैमिलीज के बच्चे लिए गए. एक फैमिली जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली थी और एक फैमिली जो डायबिटिक फैमिली थी.
अब यहाँ पे इस बात को या इस रिसर्च को कोट करने का मतलब ये है कि जो हम पेरेंट्स के अपने मेंटल स्टिग्माज होते हैं या अपनी मेंटल कंडीशंस होती हैं, वो हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में अनइंटेंशनली, हमें नहीं पता होता. हम वो गुस्सा, वो अपने इमोशंस, वो हर तरह की चीज हम अपने बच्चों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों की कुछ स्पेशल किस्म के टैबूज बने हुए हैं कि ये चीज हमने करनी करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, नो डाउट इसकी इस्लामिक हिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया हुआ है कि हमने मगरिब के बाद औरतों ने बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना. अब ये चीजें कहाँ से आई हैं? कोई एक पर्सन बुरा है, हमें नहीं पता वो पर्सन बुरा क्यों है, लेकिन हमारी मदर ने या हमारे फादर ने इतना घर में पर्सन को डिस्कस किया, उसके बारे में इतना कहा कि वो पर्सन बुरा है, आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है विदाउट नोइंग हिम हर कि वो क्यों बुरा है, उसकी रीजन क्या है, क्या चीज है और क्या चीज नहीं है. अब वो जो रिसर्च थी उसमें क्या था कि एक बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली में साथ था और एक बच्चा जो डायबिटिक फैमिली में से था, डायबिटिक फैमिली के बच्चे को नॉर्मल फैमिली में भेज दिया गया, जो नॉर्मल फैमिली का बच्चा था उसको डायबिटिक फैमिली के में भेज दिया गया. अब उनकी बाय जीन्स वो डायबिटिक नहीं थे. एक तो चीज होती है जो हमारे जीन्स में होती है, एक चीज होती है जो हम इन्वायरमेंटल के जरिए हमें वो चीज कहीं ना कहीं आ जाती है. अब एक बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल था, जब वो डायबिटिक फैमिली में किया तो आफ्टर 6 मंथ उसको भी, उसके अंदर भी डायबिटीज के सिम्टम्स आ गए. और एक बच्चा जो डायबिटिक पेशेंट था ऑलरेडी, वो जब एक नॉर्मल फैमिली में गया जहाँ पे डायबिटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो वहां पे चल के आफ्टर 6 मंथ ठीक हो गया. अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी, इन्वायरमेंट. उस घर का एनवायरनमेंट, जिस बच्चे में एक नॉर्मल पर्सन गया और उसके बाद उसको डायबिटीज होगी, वो एनवायरनमेंट था, या तो वो फूड ऐसा लेते थे, उनकी टॉक वैसी थी, वो बात हमेशा डायबिटीज की करते थे, डायबिटीज स्टार्ट करके डायबिटीज पे खत्म करती, या उनका एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका था जिसकी वजह से उसको मेंटली स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि वो डायबिटीज पेशेंट हो गया. और एक बच्चा जो बिल्कुल पहले डायबिटिक पेशेंट था, उसके बाद वो जब दूसरी फैमिली में कन्वर्ट हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गया. इसी तरह से हम लोगों की मेंटल हेल्थ की चीज होती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो एल्डर्स होते हैं, वो एल्डर्स हमारे किसी भी एज लेवल को, हमसे 2 साल बड़ा बहन भाई क्यों नहीं है, हम जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज को ये समझने की जरूरत नहीं समझते कि ये सबके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, आप सबके पेरेंट्स. ये जर्नल एक चीज बन चुकी है कि पेरेंट्स इस चीज को समझने की जरूरत नहीं समझते कि मेंटल हेल्थ की कोई इशू है, हमने उसके बारे में भी बात करनी है, या बच्चा किसी मेंटल हेल्थ के किसी ट्रॉमा से, किसी इंसिडेंट से गुजर है, हम उनको हेल्प नहीं कर सकते. हमने, माँ बाप ने अपना इतना डर बिठाया होता है बच्चों के दिलों में या बच्चों के जहनों में अनकॉन्शियसली, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, उनकी नजर में वो सारी चीजें बहुत परफेक्टली फाइन होती हैं कि उनकी नजर में उनकी आइडियल लाइफ चल रही होती है, उनकी नजर में वो, उनकी नजर में ऐसा होता है कि हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उन बच्चों के दिल में कोई ऐसा डर या खौफ वो बिठा चुके होते हैं कि बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो उनके साथ बात नहीं करते, या उनको ये पता चल चुका होता है कि जो उनके सामने वाले पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो उस चीज को समझेगी नहीं, वो बात नहीं करेगी. हमने स्टिग्मा को खत्म करना है कि जो पेरेंट्स हैं एटलीस्ट वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो सामने वाला बच्चा है वो एक इंडिविजुअल है. हम यहाँ पे प्ले कार्ड्स बहुत ज्यादा खेलते हैं कि आई एम पेरेंट, मैं मदर हूँ या मैं फादर हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, हम ये वाले प्ले कार्ड्स बहुत ज्यादा खेलते हैं अपने रिलेशंस में. हमने इन प्ले कार्ड्स को खत्म करना होता है. जब हम ये प्ले कार्ड्स खत्म करते हैं, सामने वाले को एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बींग लेकर चलते हैं, तो उनको हमारे पास आने की कभी जरूरत ही ना पड़े. हमारे पास जब अक्सर लोग आते हैं वो हमें ये कहते हैं कि यार हमने बातें सुननी है, अब मेडिसिन तो देते हैं, बातें सुननी है हमने, या बातों के जरिए हमने ठीक होना है, तो हम घर में भी ठीक हो सकते हैं. एंड दैट इज द पॉइंट, अगर आप बातों के जरिए ठीक हो सकते होते तो उन्हीं बातों को सुनकर आपका जहन क्यों खराब हुआ, अगर उन्हीं बातों के जरिए उन्हीं लोगों से आप बातें करके ठीक हो सकते. सब उसके बाद हमारे फ्रेंड्स आते हैं, जो फ्रेंड्स एक गैदरिंग बारी बन जाती है,
वो फ्रेंड्स हमें हमारे डिफरेंट सिचुएशंस में से हमें हेल्प आउट करते हैं, हमें निकालने की कोशिश करते हैं हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में से. अब वो हमारे साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की फीलिंग्स एडअप करते हैं अगर वो फैमिली हमारे उसमें एडअप हमारे साथ नहीं कर पाते किसी भी पॉइंट पे आके, या हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को वो डिवेल्प कर रहे होते हैं फ्रेंडशिप. जब हम फ्रेंड्स में आते हैं हमें ये पता चल रहा होता है अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैं इसके साथ जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं इसके साथ जा रही हूँ, हमने जगह पे बैठना है, हमने एक जगह पे खाना है, हमने एक जगह पे एक तरह की डिस्कशंस करनी है, पेपर्स हो रहे हैं तो हमने एक जैसे डिस्कशंस करनी है, हमने उसके ऊपर वर्कआउट करना है. ये क्या है, ये बिलोंगिंगनेस की फीलिंग्स आ जाती हैं. अब आजकल के पेरेंट्स की ये बहुत ज्यादा कंप्लेन्स होती हैं कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते, बच्चे हमें टाइम नहीं देते, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा बिजी रहते हैं. वाई वो अपने फ्रेंड सर्कल में क्यों बिजी रहते हैं, क्योंकि उस फ्रेंड सर्कल में उनको वो बिलोंगिंगनेस, उनको वो लवनेस वाली, उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ वाली वहां पे फीलिंग्स मिल रही हैं. वो चाहे अच्छी मिल रही है चाहे बुरी मिल रही है, वो एक अलग पॉइंट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट में आ जाता है, लेकिन उनको वो फीलिंग्स दी जा रही हैं जो फीलिंग्स उनको उनकी फैमिली की तरफ से नहीं दी जा रही. पेरेंट्स का यहाँ पे जो सबसे स्पेशल रोल प्ले होता है वो उनके बच्चे की जब पैदाइश होती है उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह से डिवेल्प करना है. अगर वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को डिवेल्प करें, ग्रूमिंग पर्सनैलिटी बनाए, चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाए, तो उसके लिए हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है. वो एफर्ट हम आफ्टर 15 आफ्टर 20 जरूर कर रहे होते हैं पेरेंट्स जब बच्चा बिल्कुल खराब हो चुका होता है, लेकिन उसकी स्टार्ट इनिशियल स्टेजेस पे वो हम एफर्ट्स नहीं कर रहे होते. पेरेंट्स अपने कभी ये नहीं कहते यस आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम. हम बच्चों को कभी ये नहीं कहते. यहाँ पे जैसे पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, एक दफा अपने जहन में इस चीज को दोहराएं कि उन्होंने कौन से स्टेज पे ये कहा अपने बच्चों को कि यहाँ मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, जब आप चाहो मैं आपको टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ. बहुत कम कहते हैं. उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते. उसके बाद हमने अपने बच्चों को कब ये कहा कि आपको जब जब मेरी जरूरत होगी, जब जब आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, वो अच्छा भी है वो बुरा भी है, जैसा मर्जी चाहो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. हम नहीं कहते. हमने अपना बच्चों के साथ, पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ एक डिस्टेंस रिलेशन बनाया होता है कि मेरा बच्चा मुझसे इस लेवल से ऊपर की चीज डिस्कस नहीं करेगा, इस लेवल से नीचे की सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं. वो जो ये डिस्टेंस है ना, लेवल खत्म हो जाता है इस डिस्टेंस में आके. हमें नहीं समझ में आती, बच्चों को नहीं समझ में आती कि जब जो से जिस डिस्टेंस में, जो डिस्टेंस वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं वो डिस्टेंस बेसिकली उन्होंने अपने अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना होता है. वो जब डिस्टेंस पेरेंट्स बना देते हैं उस डिस्टेंस में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. उस डिस्टेंस में सर डिफरेंट तरह की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज उसमें बच्चे करना स्टार्ट हो जाते हैं. एक रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त, क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, कि इस वक्त तीन तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जिनका सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया को. सबसे पहले एंग्जाइटी आता है. एंग्जाइटी क्यों होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल एंग्जाइटी हो रहा है. डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं, वो तो छोटा बच्चा है, उसके जिंदगी में तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. चलो 19, 20 प्लस लोगों में आप कह दो कि कोई इश्यूज आ रहे हैं, उनको पीयर ग्रुप के इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी. छोटे बच्चों में ऐसे कौन से इश्यूज आते हैं कि वो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं. और वो फैमिली बैकग्राउंड, हमारी फैमिली सबसे बड़ा इशू होती है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, कि जो हमारे टॉक्सिक मियां बीवी का टॉक्सिक रिलेशन होता है या सास बहू का टॉक्सिक रिलेशन होता है वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर, बच्चे की मेंटेलिटी के ऊपर कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है. एंग्जाइटी के बाद सबसे ज्यादा उसके बाद मूड डिसऑर्डर्स हैं. थर्ड पे हमारे पास सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह के सब्सटेंस यूज करते हैं. अल्कोहल है, ड्रग्स है, डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स उसमें हमारे पास आ जाती हैं. जो वुमेन्स हैं, वुमेन को सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है. अब अगर ये कोई ये कहे कि नहीं जी क्योंकि मर्द हजार यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज अ रिसर्च कि वुमेन्स को, हालांकि वो होती हर वक्त घर में है, वो अपने मदर के साथ होती हैं या अपने सिस्टर्स के साथ होती हैं या किसी और फीमेल रिलेशन के साथ वो हर वक्त होती हैं, तो उनको तो स्ट्रॉन्ग या इमोशनली इतना वीक नहीं होना चाहिए. लेकिन वुमेन को सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है हर स्टेज पे. अगर हम एंग्जाइटी में जाएं तो भी वुमेन का रेशियो ज्यादा है जिनको हेल्प की जरूरत होती है कंपेयर टू मैन. वुमेन का जो रेशियो है हमारे पास एंग्जाइटी में वो 18% है. दिस इज रिसर्च कि 18% वुमेन का रेशियो है एंग्जाइटी में जिनको हेल्प चाहिए होती है, या 18% वुमेन डिस्टर्ब होती है विद द एंग्जाइटी एंड 11% मैन डिस्टर्ब होते हैं एंग्जाइटी. उसके बाद हम इसी तरह से मूड डिसऑर्डर की बात करें तो हमारे पास जो रेशियो आता है वुमन का वो 7.15% आता है रेशियो
और जो मेन का रेशियो है वो 5.3 है। सब्सटेंस यूज हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में इतना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो वुमेन यूज करती हैं, और तो वुमेन्स कहीं ना कहीं यूज कर रही होती हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम वर्ल्ड की इसमें बात करते हैं तो इसमें मेन का रेशियो ज्यादा आता है जो सब्सटेंस यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? अब बच्चे को एंग्जाइटी हुई, उसको कैसे पता चला कि उसने उसको कॉप अप करने के लिए उस फिकर ने किसी और तरफ जाना है? वो अपनी वो स्पेस जोन ढूंढता है जिसमें वो जाने की कोशिश करता है। वो अपनी वो स्पेस जोन में जाएगा जहां पे उसको सुकून मिलेगा। वो फिर उसका वो स्पेस जोन कोई सा भी हो सकता है, वो उसका गलत भी हो सकता है, वो उसका अच्छा भी हो सकता है। अब बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ फैमिली मेंबर, हमारी क्या ऐसी कौन सी हमारी चीजें हैं जिसको हमने करने की जरूरत है या जिनके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है? वी हैव टू फॉलो थ्री सीज ऑफ रिलेशनशिप, तीन सीज जो हमें अपनी जिंदगी में फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले कम्युनिकेट अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जो भी आपके घर में लोग रहते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखें। हम लोगों की कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गए हैं। बच्चे माँ बाप से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, माँ बाप बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वाई ये इतने गैप्स क्यों आ गए हैं? इस इन रिलेशन में, माँ बाप या बच्चे के रिलेशन में जो इतने गैप आए हैं, हमने कभी इन रिलेशन को फाइंड, इन गैप को फाइंड करने की भी रीजन नहीं समझी। माँ बाप हमेशा अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे होते हैं, बच्चे अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों के दरमियान इतने ज्यादा जो गैप्स होते हैं उसके कहीं ना कहीं तो रीजंस होती है, हम इसको फाइंड नहीं करते। हम एक दूसरे पर इल्जाम जरूर देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मैम ने कहा कम्प्रोमाइज, हम शुमाइला ने एक पॉइंट ऐड किया था कम्प्रोमाइज, जहां पे हमें डर होता है, जहां पे हमें खौफ होता है, वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज करने के दो से तीन मतलब आ सकते हैं। एक तो हम डर या अपने खौफ को किसी और वे में, कि हमारे पास कोई और चांस नहीं है, हम इस वे में कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं, ये जो रिश्ता है, ये जो इंसान है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना है। उसके बाद आती है हमारी कमिटमेंट। हम कमिटमेंट्स करने से डरते हैं, बच्चे माँ बाप से डरते हैं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं कमिटमेंट्स करने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को कह देते हो कि अच्छा बेटा, आप 1 अगस्त में आपको ये चीज लेके दूंगी, बहुत कम आप एक चीज कहते हो अपने बच्चों को। बहुत मेरे ख्याल से 90% पेरेंट्स ने कभी बच्चों को इनकरेज नहीं करते, या अगर वो फर्स्ट आ जाए या सेकेंड आ जाए तो उनको कभी प्राइज वगैरह नहीं देंगे। हाँ, स्कूल की तरफ से जो मिले वो बात अलग है, वो उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, कि अच्छा उसके तो इतने परसेंट आए हैं, आपके इतने परसेंट हुए हैं। और बच्चा उस टाइम पे फिर ये सोचता है कि यार मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी फर्स्ट या सेकंड आ गया हूँ, तब भी मुझे ये कहा गया है, तो अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? उसके बाद अगर हम पेरेंट्स या एल्डर्स हम ये क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दें अपने बच्चों से, हम उनसे क्वेश्चन करें कि उनको क्या चीज बॉदर कर रही है, इस चीज को सोचे समझे बगैर कि कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वो चीज हो सकती है उन बच्चों की जिंदगी में, अगर हम उसे ये क्वेश्चनिंग कर दें वो क्या चाहते हैं या उनको क्या चीज बॉदर कर रही है, अगर हम लिसन कर लें, अगर हम उनको सिर्फ सुन लें, खामोशी से बैठ के, तहमुल से बैठ के, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट एनी जजमेंटल सिचुएशंस, अगर हम उनको सुनना शुरू कर दें। ये इस बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बात उनके लिए भी है जो किसी ना किसी स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, किसी ना किसी को डिप्रेशन हो रहा है, वो हमारे घर के अफराद है ना, वो किसी ना किसी घर के अफराद ही हैं जो हमारे पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को डील आउट करवाने के लिए। वो क्यों आते हैं हमारे पास? क्योंकि उनको घर में सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर हम घर में ही सुनना शुरू कर दें कि हाँ, इसको डिप्रेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जो इतना चुप रहने लगी है, या चुप रहने लग गया है, या अलग रहने लग गया है, या इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया, इसकी जिंदगी में, इसकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, हम इस चीज को समझने की जरूरत महसूस नहीं करते। हम बिहेवियर्स का एक पॉइंट आउट दे देते हैं कि इसका बिहेवियर खराब है, ये बदतमीज हो गया है या बदतमीज हो गई है, इसको बड़े छोटे की तमीज नहीं रही, मैनर्स नहीं रही। रीअश्योर करें कि वाकया ही जो बातें मैं सुन रही हूँ या जो बातें मैं समझ रही हूँ उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, या वो बातें सिर्फ कही जा रही हैं, उसको परखने की कोशिश करें। परखने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उसको एक आला लेकर उस पर परखने की कोशिश करते हैं, और डिफरेंट वे से आप उसको परखने की कोशिश करें, अपना काइंडनेस वाला बिहेवियर उसके साथ शो करें कि यस आई एम काइंड टूवर्ड्स यू, मैं आपके साथ काइंड बिहेवियर अपना शो कर रही हूँ, कि मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। जब कोई भी इंसान जो हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, जब हम उनकी बात को विदाउट जजमेंट सुनते हैं तो वो 90% वहीं पे ठीक हो जाते हैं, 90 या एटलीस्ट 80% तो वो वहीं पे ठीक होके जाते हैं, जब हम उनको सही गलत का एक टैग दिए बगैर जब हम उनकी बात को सुन रहे होते हैं। अगर यही काइंडनेस उनको उनकी फ्रेंड्स की तरफ से मिल रही होती है, उनको अगर उनकी फैमिली की तरफ से मिल रही होती है, तो वो बहुत ईजीली इस चीज को
देख लेते हैं। उसके बाद वो अपनी जो पेरेंट्स जिस भी जगह पे वो जाना चाहते हैं, अपने फाइंड करें उस स्पेस को, उस पीसफुल प्लेस को जहाँ पे वो बैठ के बात करना चाहते हैं, वहां पे जाके किसी से चीज को डिस्कस किया जाता है। बच्चे का जो फेवरेट रूम है, फेवरेट जगह है घर की, वहां पे उसको बिठाएं, वहां पे उससे बात करें कि हाँ उसको कौन सी चीज बॉदर कर रही है, उसको क्या चीज परेशान कर रही है, उस चीज के ऊपर बात करें और उसको हेल्प की ऑफर करें। आप बच्चों के साथ ये करके देखें। उसके बाद हमारे फिर फ्रेंड्स आते हैं कि बच्चे जब उनको ये सारी चीजें फैमिली से नहीं मिलती, वो फ्रेंड्स से यही सारी चीजें ढूंढते हैं। और 50-70% हमारे लाइफ के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमें किसी ना किसी सिचुएशन में विदाउट जजिंग हमें वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिर जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा हो जाता है और उसके बाद हमारे फैमिली के साथ ज्यादा नहीं बन पा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है एजुकेशन। अब एजुकेशन, जब एक बच्चा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे तीन रोल प्ले हो रहे होते हैं, एक बच्चे का, एक उसके टीचर का, एक उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, फोर्थ उसके पेरेंट्स का रोल प्ले हो रहा है। ये फोर रोल प्ले होते हैं। बच्चे ने कुछ गलत किया, उसकी कंप्लेन हुई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ने उसको टीचर ने को कंप्लेन हुई, टीचर ने एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को कंप्लेन की, ये चार का एक सर्कल बन गया। अब जब ये सर्कल आपस में बन रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि बच्चे ने जो मिसहैप किया है, जो अब्यूज किया या फाइट किया है, या उसका जो मिसबिहेव उसने किया है वो क्यों किया। ना टीचर ने इसको पॉइंट आउट किया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की, ना ही, क्योंकि हमारे मेजोरिटी स्कूल्स में हमारे काउंसलर्स नहीं होते, बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे काउंसलर्स होते हैं और वो बच्चों को काउंसल करते हैं। उसके बाद ना एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा। उसके बाद जब पेरेंट्स की पास कंप्लेन आई उसके बच्चे की, पेरेंट्स का एक ऑलरेडी एक मेंटल सेट बना होता है कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बाद जब वो कंप्लेन आती है तो वो ये पूछने की बजाय बच्चे से कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जो इशू हुआ वो क्यों हुआ, आपने मिसबिहेव क्यों किया, या वो ये फिगर आउट करने की बजाय कि हाँ हमारे घर में कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था या दूसरे बच्चे की भी गलती हो सकती है, वो अपने बच्चे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी वजह से हमारी इंसल्ट होगी, एंड अलॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग। वो उनको फिजिकल अब्यूज भी करते हैं, वो इमोशनल अब्यूज भी करते हैं, वो हर बात पे एक दूसरे के एग्जाम्पल देते हैं, उस चीज से बच्चा चिढ़ जाता है। एजुकेशनल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा निग्लेक्शन होती है, या जो बहुत शार्प बच्चे भी बहुत ज्यादा आहिस्ता लेटर ऑफ लाइफ में, बहुत सारे बच्चों को भी देखा है जो बहुत शार्प होते हैं जूनियर लेवल पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े लेवल पे होना जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई से डिसहार्ट हो जाते हैं, वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं करते। उसकी रीजंस क्या होती हैं कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं अपने बच्चों के साथ। हम लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर ये फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आया है या फिफ्थ क्लास में भी फर्स्ट आया है तो इसको मैट्रिक में भी फर्स्ट आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर दफा सर्कमस्टांसेस हमारे चेंज होते हैं, हर दफा हमारी सिचुएशन चेंज होती है। हो सकता है जब वो बच्चा फिफ्थ में था उसके घर के जो सर्कमस्टांसेस वो बहुत पीसफुल हो, और हो सकता है जब वो मैट्रिक में जाए तो उसके घर का जो एनवायरनमेंट वो बहुत स्ट्रेसफुल हो, उसको अपने पीयर ग्रुप से कुछ स्ट्रेस मिल रहा हो, उसको अपने टीचर की तरफ से कुछ स्ट्रेस मिल रहा हो, कोई ऐसी उसके साथ प्रॉब्लम चल रही हो जो वो किसी के साथ शेयर ना कर सकता हो। तो वी हैव टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स। उसके बाद हमारे पास आती है सोसाइटी। इन सारी चीजों से मिलकर बनती है हमारी सोसाइटी, और एक सोसाइटी में जब हमारा रोल प्ले होता है वो अच्छा बुरा हम इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत से लोग हमें अच्छे भी मिलते हैं, बहुत से लोग हमें बुरे भी मिलते हैं, वो जो अच्छे या बुरे लोग मिलके जो सोसाइटी बनाते हैं वो बेसिकली हम लोग हैं जो सोसाइटी बनाते हैं। अब इस सोसाइटी में जब हम मूव ऑन करते हैं, कुछ हमें सोसाइटी के रूल्स बता दिए हैं, हमने हम लोगों के एक माइंड में कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, क्योंकि ये हमने चीज देखी है। बहुत कम लोग हैं, आई थिंक 5% और 3% लोग ऐसे होंगे जो बेगर से भी अच्छे से बात करते हैं, जो ट्रांसजेंडर से भी अच्छे से बात करते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने इस चीज को बना लिया कि ये तो वर्थलेस लोग हैं, बेगर्स तो हमें हर जगह नजर आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर हमें हर जगह नजर आ जाते हैं, तो हमने इनसे अच्छे से बात नहीं करनी, इनको हम अब्यूज भी कर सकते हैं क्योंकि हम हमारे इन पे जोर चल सकते हैं, हम इनको अब्यूज भी कर सकते हैं, हम इनको लाउडली शाउट भी कर सकते हैं, इन पे हम इनको कुछ भी कह सकते हैं। एक ये चीज हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अब ये चीज हमारी सोसाइटी में आई कहाँ से? हमने ये चीज अपने बड़ों से सीखी, छोटों ने हमसे सीखी, और ये चीज लेटर ऑफ लाइफ हमारी इसी तरह से ये सर्कल हमारा चलता रहेगा। अब जिन बच्चों के बहुत से केसेस आजकल रिपोर्ट किए जाते हैं
डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है सर्वेंट्स को, बहुत से डोमेस्टिक सर्वेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, वो ज्यादातर बच्चों के आते हैं. वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये चीज उन्होंने सीखी नहीं, ये चीज उनको किसी ने बताई नहीं कि अगर आप किसी के अंडर कोई आपके अंडर काम कर रहा है तो आप उसके हर कुछ नहीं बन जाते. हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई हमारे अंडर काम कर रहा है तो उसने अपनी पूरी जिंदगी वो हमारे एक मुट्ठी में कैद करके दे दी है. ऐसा नहीं होता. इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप्स में भी आता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, हस्बैंड या इन लॉज ये कंसीडर करते हैं कि जो लड़की आने वाली है वो हमारी मुट्ठी में बंद होके आएगी, जो हम उसको कहेंगे वैसा होगा. ऐसा नहीं होता. जो सामने वाला पर्सन है उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है, उसको अल्लाह ताला ने एक अलग सांचे में उसको अलग मिट्टी से बनाया है, उसकी अलग पर्सनैलिटी, अलग उसकी सारी चीजें लिखी है, उसके अलग नसीब, अलग किस्मत, हर चीज बना के भेजी है. उसके बाद अब हमने सोसाइटी में कैसे मूव ऑन करना होता है, हमारे रिलेशन है सोसाइटी के रिलेशन, बैगर से हमने कैसे बात करनी है, ट्रांसजेंडर से हम किस तरह से बात कर सकते हैं, हम शॉप पे जाते हैं तो हम शॉप पे कैसे बात करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा इस चीज को बहुत ज्यादा, क्या बता, आपने खुद में भी ऑब्जर्व किया हो, कभी खुद में भी ऑब्जर्व करके देखिएगा. अब जब हम किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके हमारा बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है. हम कभी भी शॉपकीपर से बहस नहीं करते, कोई बहस कर रहा हो तो हम उसे बहुत चीप समझते हैं कि हाँ ये मॉल में आके भी ऐसे हरकतें कर रहे हैं. वही पर्सन अगर लोकल मार्केट में हमें मिले या लोकल मार्केट में आप चले जाओ तो वही पर्सन वहां पे आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहा होगा कि नहीं ये चीज इतने की नहीं, इतने की दे दें, ये ऐसे नहीं ऐसे कर दें, नहीं हो सकता उसका रेट ना बढ़ने, वो चीज छोड़ के भी आ जाए, वो बदतमीजी भी कर सकते हैं. आप यहाँ पे ये जो डिफरेंट शेड्स आए एक मॉल की और एक लोकल मार्केट की, वो कहाँ से आए? वो हम लोगों ने खुद में क्रिएट किए, वो हमने अपनी सोसाइटी में खुद चीजों को क्रिएट किया. सोसाइटी हम लोगों से बनती है तो हमने इन सारी चीजों को खुद में अपने आप में क्रिएट किया कि हाँ मैं ये काम तो ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं ये काम तो ऐसे भी हो सकता है. अब बैक ऑफ द 3 years अगर हम पहले की बात करें तो स्लीवलेस ड्रेसेस का हमारे यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे मीडिया पे भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. 3 to 5 years बैक की बात करें, ना स्लीवलेस ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट था, ना ही इतना ज्यादा इन चीजों को प्रमोट किया जाता था. लेकिन अब लास्ट ईयर से देखा जाए तो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है. वो चीज कहाँ से आई कि हाँ अब हमें कोई लड़की नजर आती है स्लीवलेस ड्रेसेस में तो हम इस चीज को बुरा नहीं कंसिडर करते, हम इस चीज को इतना ज्यादा मायूब कंसिडर नहीं करते. वो चीज कहाँ से आई? वो आहिस्ता आहिस्ता चीज हमारी सोसाइटी में अडॉप्ट होगी कि हाँ फाइन, मतलब कोई पहन रहा है तो उसका अपना अमल दखल है, वो जैसा मर्जी पहने, जो मर्जी काम करे, वो उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपनी उसकी वो जैसे मर्जी चाहे गुजार सकता है. इसी तरह से हमारे डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रैफिक जब सिग्नल्स तोड़ देते हैं या हम रेड लाइट पर रुक जाते हैं तो वो हमें सोसाइटी में सिखाया गया है कि हाँ आपने इस पर रुक जाना है. कोई हमें अगर बुजुर्ग नजर, जिस तरह से मैम ने कहा कि अब हमारे ओल्ड हाउसेस क्यों बन रहे हैं, क्यों हम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, बच्चे अपने पेरेंट्स को संभाल नहीं सकते, या यतीम खाने जो इतने बन रहे हैं, या जो प्री मेच्योर बर्थ्स होती हैं बच्चों की, या जो फॉल्स आप रिलेशनशिप के नतीजे में जो बच्चों की बर्थ्स होती हैं, उनको जो वो यतीम खानों में या डिफरेंट चाइल्ड सेंटर्स में भेजा जाता है, वो क्यों भेजा जाता है? इतनी चीजें, ये इतनी कॉमन, इतनी जो हमारी सोसाइटी में ये हो रही है, जगह जगह पे अब इस टाइप के सेंटर्स बन चुके हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्यों होते हैं? इतने ज्यादा हमारे सोसाइटी में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी ज्यादा चीज देखी जाती है या मेंटल साइलेंस है हमारी सोसाइटी में. जितने ज्यादा हमारी सोसाइटी में यतीम खाने हैं या ओल्ड एज होम्स हैं, वो क्यों है? वो बेसिकली हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में इस चीज को एडअप कर लिया कि हाँ फाइन, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लोग 2-3 दिन बात करेंगे, 4 दिन बात करेंगे, फाइन. लेकिन वो चीज हमने अपनी सोसाइटी में ऐड कहाँ से की, क्यों ऐड की, किसने इजाजत दी इस चीज को ऐड करने की? वो एक लेवल से स्टार्ट हुआ, वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता होता यहाँ पे आ गया, और जब वो चीज यहाँ पे आ गई तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था. उसको रोकने वाला जब कोई नहीं होता तो वो चीज हमारी सोसाइटी में, जो चीज सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, वो आहिस्ता 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 मेंटल हेल्थ को हमारी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है. और उसके बाद जब हमारी मेंटल हेल्थ होना स्टार्ट हो जाती है तो डेली लाइफ पे हमारी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमारी फैमिली के साथ, हमारे डिफरेंट रिलेशन के साथ, कोवर्कर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एंड सो ऑन. क्योंकि हर इंसान का अपना सोचना समझने की स्लाइड अलग होती है. हो सकता है मेरी बहुत सी बातें बहुत से लोगों को यहाँ पे गलत लग रही हूँ कि नहीं ये तो जो कह रही है वो गलत कह रही है. वो अपनी नजर से दुनिया को देख रहे हैं, वो अपनी नजर से चीजों को परसीव कर रहे हैं. वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सपेक्टिव टू.
ये चीज हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम ये चीज सीख जाएंगे तो हमारी जात की, हमारी इर्द गिर्द के लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मिस हेरा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आई हैव चेक्ड, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए हुए ऑडियंस की तरफ से। बहुत सारे जो कमेंट्स हैं दे आर जस्ट अप्रिशिएटिंग, दे आर सेइंग के द टॉपिक इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दे आर लर्निंग अ लॉट। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके ऊपर हम बात कर सकें। एक तो जो क्वेश्चन है उन पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा कैसे है, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में भी आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक द ऑडियंस, इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, एंड थैंक द स्पीकर्स टू कम हियर एंड एनलाइटन अस ऑल विद योर इंफॉर्मेटिव टॉक्स। एंड आई होप कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और भी ज़्यादा करते रहें। और सबसे बस आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने भी ये देखा है, डू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस नोट। आप सब गेस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू पीपल एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कीप ऑन डूइंग दीज conferences and inshallah ta'ala we'll keep inviting you people, keep requesting you people to be there. Thank you so very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.